कलयुग से भी आगे बात गई है, जब उसने ये करी है। दूसरी बात यह है भाई, उसने किस परिस्थितियां में करी, किस उस तक कदम उठाया है इतना बड़ा, वह वजह था भाई, सामने आओगी पुलिस को निकालेगी। हाल फिलहाल बोर में हम रोहतक का ही क्षेत्र है, बोर रोहतक का ही गांव है, और यहाँ पे दो बड़ी बड़ी नहरें भी हैं साथ में, और इन्हीं से इनका गांव का पानी वाणी लेना चला रहता है, और साथ में पीने का पानी नलके लगे हुए हैं वहाँ पे। और एक दर्द भरी घटना है जो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, कि घटना है तो है क्या घटना, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। यहाँ बैठे हैं हाल फिलहाल, इनका परिवार बैठा है इधर, ये महिलाएँ बैठी हैं, और उनकी माताजी जो बोलने में असमर्थ बताई जा रही है, और यहाँ पे बैठे हैं। चर्चा का विषय बन गया दीपांशु को लेकर, दीपांशु जो 7 साल का बच्चा है, वो पापा उसको साथ लेके गए हैं पानी लेने के लिए, लेकिन जब वो आते हैं, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है प्रशासन द्वारा, उस टाइम पे वो साथ नहीं होता। तो घटना क्या है परिवार से ही पूछेंगे। ये इनके नाना जी बैठे हैं सामने, और ये दादाजी बैठे हैं, आज सारा रिश्तेदार वगैरह इधर, ये इनके फूफा जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, और चर्चा का विषय बन गया दीपांशु को लेके कि ये हरकत हुई तो हुई क्या, बात करेंगे। ये जुड़ गया परिवार, बात करेंगे भाई। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी अपना? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आप क्या लगते हो दीपांशु के? नाना। नाना लगते हो, तो आप नाना हो, आपको क्या लग रहा है इस घटना से, कैसी हुई घटना थोड़ा बताओगे? घटना का क्या बता सकते हैं जी, कैसे हुई है? नहीं, दीपांशु को उसके पापा कितना प्यार करते थे ये बताओ। दीपांशु से उसके पापा इतना प्यार करते थे, मेरे हिसाब से आज के टाइम में इतना प्यार कोई और नहीं कर सकता। दीपांशु जब जाता था वहाँ पे तो कुछ बताता था, जैसे कि जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया कि जो मियाँ बीबी का छोटा मोटा झगड़ा था, जो आपकी लड़की के साथ झगड़ा था आपके दामाद का, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? झगड़ा कैसा था, किस प्रकार का झगड़ा भी, जिन जैसा उस इन्होंने बताया, लड़की ने ही बताया और उसने ही बताया, तो वो इस बात पे वो नहीं हो, मर्डर करने वाली ये बच्चे को हत्या हो जाए, ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं, मतलब नॉर्मल बातें थी। नॉर्मल आती, इनके दो बेटे हैं जी, बस इसका बड़े लड़के में ज्यादा लगाव था, थोड़ा सा 19-20 का हो जाता है बड़े लड़के में जी। तो यही थी वो, ये लड़की कह देती थी आप बिला बड़े लड़के से ज्यादा प्यार करते हो, छोटे से कम करते हो जी। बोले मैंने इसी बात को लेके वो कर दिया, बोला ले मैं यो काम कर दू, इसने हटाए दू, मैं एक कर जाएगा, बोला फिर यो रहेगा नहीं तो बोला एक कद प्यार कराएंगे। तो ये जो ये बात है इनका, ये झगड़ा है कि बड़े से ज्यादा प्यार करते हो, छोटे से कम करते हो, तो ये तो हत्या की वजह हो नहीं सकती जी। दोनों इतनी बड़ी नहर में नहा रहे थे, हाँ, छोटे बच्चे को लेके, अब वो हर रोज जाते थे नहाने, हाँ नहाने भी, पशुओं ने भी ले जा रहे थे मैसन। ठीक है, तो फिर इसमें तो मामला तो जांच का विषय हो गया, जांच का वो पुलिस ने उठा रखा है, लड़के के पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। घर में कुछ झगड़ा था क्या, कुछ इस तरह का? देखो हम नहीं बता सकते इसके, क्योंकि हम तो कभी कभार आते हैं, साल से भी नहीं मां जावा, वो तो ज्यादा ज्यादा उसकी पत्नी ने पता, वो बयान देने लायक नहीं है, क्योंकि वो बार बार बेहोश हो रही है, या लड़के का बाप बता सकता है, वो उसमें कस्टडी में अंदर गया, वो तो बता ही देगा सारी चीज, हाँ पुलिस अपने आप सारी चीज पूछ लेगी, वो तो अपने आप को बुलवा लेगी, कुछ भी बात तो है। क्या इस तरह की कोई आपराधिक प्रवृत्ति पहले कुछ था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं था। नशा पता? कोई नशा पता नहीं। एज कितनी है इसके बेटे के पिता को? यही होगी 26-27 साल। युवा है और नशा भी नहीं है शरीर में, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ज्यादा कहना दूर की बात है भाई, हो भी सके है और नहीं भी हो सकता है, ये तो वो बात है। नहीं, जैसे उसने पुलिस ने मेरे को बताया कि भाई इसने अपने आप कर दिया, अच्छा, कहाँ भरी है, ये तो कलयुग हो गया भाई सब, कलयुग तभी आगे बात गई है जब उसने ये करी है। दूसरी बात यह है भाई, उसने किस परिस्थितियां करी, किस उस तक कदम उठाया है इतना बड़ा, वह वजह था भाई, सामने आओगी पुलिस को निकालेगी, पुलिस लेके आओगी सारी चीज, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला है भाई तक है क्या, क्योंकि परिवार ने तो पहले तो ये लग रहा था भाई खो गया होगा, यहाँ आगे कट गया होगा, सर्च कर रहे थे सब, वो भी साथ में कर रहा था, फिर दोबारा ये लगा कि भाई शायद अपहरण हो गया हो,
आजकल बच्चा चोर गिरोह ज्यादा मामला मान रहे बच्चा चोर गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय है। रोज वीडियो आम फलाने का मठा लिया, तो परिवार का तो था कि भाई शायद बच्चा चोरी हो गया हो। फिर ये भी था कि भाई बालक है 5-6 साल का, चला भी गया हो, चला भी गया हो, ये मान रहे थे, है ना। लेकिन बाद में जब जिस तरीके से भाई पुलिस ने ये परिवार को बताया है कि भाई नाम क्या था इसका भाई का, दीपांशु, और उसके पापा का सुनील, सुनील ने जब खुद ये हाँ भरी है पुलिस के सामने भाई मैंने ही ये किया है, तो भाई देख भाई के वहिस्ता का राम का ना है कलयुग हो रहा है भाई, जो हम भी अपने बर्तन पाड़ा है और भी पाड़ा है सब पाड़ा है, जितना लड ले वो अपने बड़कन रखा था। अच्छा 10-12 दिन हो गए होंगे सोनू इस बार द्वार ले जा रहा था, गेला कावड लाए दे बाबू बेटा कट्ठे कावड लाए दे, हाँ वो अपनी माँ बगैर रह सका था, बाप बगैर नहीं रह सका था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाई और इसमें ये लड़के का ताऊ है, जिसमें खुद एक बात और सामने आई है कि वो साथ में सर्च करवाने लग रहा था। देखिए फिर तो भाई एक बात, उसका परिस्थिति बहुत भयंकर होगी, सही इन्वेस्टिगेशन करा तो एक एक चीज निकल आऊंगी। लड़के का ताऊ हमारे साथ जुड़ रहा है, भाई साहब नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, सगा भाई है आपका, तो आपने तो अच्छी जगह पे चाचा का लड़का, आपका के ताऊ हमको फर्क नहीं है, दिन रात इकट्ठे पड़े हो, नू तो लगता नहीं होगा भाई साहब, नू देखो जी जत्ती मारे भी नहीं, लेकिन जो यो वीडियो में क्लिप आई है उसकी हाथ पकड़ के जान लग रहा है, बाइक पर पीछे बैठा रहा है, इकट्ठे गए हैं, इकट्ठे गए हैं, आती दफे इकला आया है ना, आगे बताई ना, आगे ढूंढने लगे उस ढूंढने के मर तो बिल्कुल जो ना वो मेरे घरवाली ने बताया बोला नहीं न्यू हो गया, जब पीछे तो मार मेरा चाचा बाग जे गए, हाँ जी उसने न्यू बताई न्यू न्यू हो रहा, कोई अपराधिक गतिविधि करते भी नहीं थी, घरेलू कल है भी ना जी, बाहर का तो मारा को पूरे परिवार गला किस्से गला को मतलब को नहीं है जिस तरीके से अपना कमा के खा रहा था जी, उसने को वो ना भाई बड़ी नौकरी और ना दूध का भी आता जी, एक दो मैच रखा था अपना हाड़ उससे पेट को ज़्यादा चल रहा था। देखिए पंडित जी नरम आदमी हो तुम, वैसे भी दिख रहा है हमारा गांव मोखरा गांव से ये पंडित जी हैं, मैं इनको अच्छे से जानूँ, ये भी बहुत नरम आदमी हैं, गांव में कदे के आगो वो है नहीं, परिवार भी बहुत बढ़िया है और आपका परिवार भी लग रहा है भाई व्यवहार से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो भाई तो सीधी बात पुलिस जीरो लेवल तक इसका खुलासा करे ना, पुलिस इसने जीरो लेवल तक करा है कि देखो जी पेटा क्यों करे बिना भरता, नो पेटा को ना भरता, क्यों करे बिना भरता, को ना भरता ठीक, बहुत बड़ा हादसा है, क्यों करे बिना भरता। तो भाई शेयर कर दो वीडियो ने आराम, तो भाई पुलिस अर्बन स्टेट में मामला है ये भाई साहब, अर्बन स्टेट में, अर्बन स्टेट वाले जो इंचार्ज है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अच्छे से इस मामले की तय तक जाओ, जीरो लेवल तक ग्राउंड लेवल तक जब इस मामले को नहीं निकाल लोगे तो परिवार का और अड़ोसी पड़ोसी अगर गांव का रिश्तेदार का पेटा नहीं भरेगा, क्या एक खुद बाप उस बच्चे ने कोई अपराध नहीं कर रखा था भाई, ना वो अपराध करने के लायक था ना होया था भाई साहब, सही बात है ना, ना जी 6.5 साल की उम्र में क्या कर लेगा वो बच्चा, मान लो वो तो एक मोती के साकण था, अगर उसके साथ ये हादसा घटाया है या घटाया गया है तो वह बहुत बड़ी बात है, शेयर कर दो वह वीडियो ने सारे भैया, राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।